दोस्तों चलिए इसमें देख लेते हैं। इस लेक्चर में साल भर चर्चा में रही सूचकांक भारत से संबंधित देखते हैं। पहले पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 इसे जारी करता है थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलोर। टॉप तीन में राज्य केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। बॉटम मतलब नीचे से है तीन, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। अगला स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी पैरा प्रीपेडनेस इंडेक्स से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय करता है जारी। देश का पहला राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक है जिसमें सीढ़ियां फ्रंट रनर अचीवर कॉन्ट्रेंडेक्स एस्पिरेंट। आपको बता दें फ्रंट में रहा है आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। अगली देखते हैं स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स एक इसे जारी करता है नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च। टॉप 10 राज्य दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। अगली बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसे आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जारी करता है। टॉप 10 शहर है पुणे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, तिरुपति, चंडीगढ़, ठाणे, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा, भोपाल। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जारी किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस वार्षिक रूप से जारी होता है। अगला बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अमृत मिशन के तहत इसे जारी किया गया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। टॉप तीन राज्य रहे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया। राज्यों से संबंधित एक विकास सूचकांक है। इसमें केरल, हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर रहे हैं, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश क्रमशः निचले पायदान पर रहे हैं। अगली बात करते हैं एचआरडी 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय जारी करता है स्कूली शिक्षा के लिए। अगले देख लेते हैं द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी सूचकांक। पहला ग्लोबल लिविंग लिविलिटी इंडेक्स 5 पैरामीटर इसमें शामिल किए जाते हैं स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर या एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है वीना ऑस्ट्रिया, अंतिम है दशमिक सीरिया। भारत, दिल्ली, मुंबई शामिल है इसमें। अगला है फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स EIU बरेला सेंटर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा जारी किया जाता है। भारत को 33वां स्थान मिला है। टॉप तीन पर रहे फ्रांस, नीदरलैंड, कनाडा। अगला है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 भारत 41वें स्थान पर आया, दोस्तपूर्ण लोकतंत्र में शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 57 नंबर पर आया। टॉप थ्री में स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन। अगला एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फार्मेसी कैनी द्वारा भारत 11वें नंबर पर आया। यूएनई गवर्नमेंट इंडेक्स भारत 96वें नंबर पर आया। टॉप तीन में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड बेल्ड हंगर हेल्ड जर्मनी द्वारा भारत 103वें स्थान पर है। न्यू वर्ल्ड इनक्वालिटी इंडेक्स ऑक्सफैम डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भारत 147वें स्थान पर है। टॉप तीन में डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड। अगला है जर्मन वॉच द्वारा जारी इंडेक्स ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इसमें भारत 14वें स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 11वें स्थान पर है। ठीक है चलिए दोस्तों ये थे मुख्य इंडेक्स।